अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल और टीचिंग प्रैक्टिसेस के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है और प्रैक्टिस वन को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। उसके बारे में भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं प्रैक्टिस टू को डिस्कस करूँगी कि प्रैक्टिस टू क्या है, उसके क्या रूब्रिक्स हैं और क्या टीचर क्या करेगी तो वो लेवल 5 पे रैंक करेगी, क्या नहीं करेगी तो लेवल लो पे रैंक करेगी। तो आए देखते हैं कि प्रैक्टिस टू है क्या। द टीचर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ कंटेंट इज़ क्लियर एंड करेक्ट। मतलब टीचर जो पढ़ा रही है या जो जो उसका टॉपिक है उसकी जो वजाहत कर रही है बिल्कुल क्लियर यानी वाजे हो और करेक्ट यानी ठीक हो। रूब्रिक्स क्या हैं वो देख लेते हैं। लो लेवल पे टीचर तब रैंक होगी जब वो जो कुछ पढ़ा रही है उसका जो कंटेंट है या जो सबक वो पढ़ा रही है एक्सप्लेन कर रही है उसकी वजाहत दे रही है वो गलत हो या जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को बिल्कुल भी क्लियर ना हो रहा हो तो टीचर लेवल लो पे रैंक करेगी। मिसाल के तौर पे टीचर अगर कोई लेसन पढ़ा रही है उसमें वो सारी टेक्निकल टर्म्स हैं या डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, टीचर उनको एक्सप्लेन नहीं कर रही और बच्चों को भी उनका नहीं पता कि ये टर्म्स हैं क्या, उन्होंने पहली बार सुनी है, तो ना तो टीचर उनका मीनिंग बता रही है ना ही उसका आपस में लिंक क्रिएट कर रही है तो लेवल लो रैंक करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ्रैक्शन के बारे में टीचर पढ़ा रही है मैथ में तो वो उसमें टर्म्स यूज़ करिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, लेकिन बच्चों को नहीं पता कि न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है, लेकिन टीचर जस्ट पढ़ा के आगे मूव कर जाती है तो लेवल लो पे रैंक करेगी। लेवल मीडियम पे रैंक अप करेगी। द टीचर्स एक्सप्लेनेशंस ऑफ द कंटेंट व्हेन दे अकर आर करेक्ट एंड समवट क्लियर। मतलब अगर टीचर जो कुछ भी पढ़ा रही है जो वजाहत वो दे रही है बच्चों को अपने टॉपिक की अपने कॉन्टेंट की वो ठीक तो है लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं है। जैसे अगर कोई स्टोरी रीड कर रही है टीचर उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ गए उनको आइडेंटिफाई भी करती है कि ये मुश्किल वर्ड है इसका ये मीनिंग है, लेकिन उन लफ्ज़ों का आपस में क्या कनेक्शन है या एक पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स हैं दूसरे पैराग्राफ में कुछ वर्ड हैं तो पैराग्राफ का आपस में क्या लिंक बन रहा है, इसमें ये बात क्यों की गई, इसका क्या मकसद था, सियाक व सिबाक के साथ अगर वो स्टोरी भी नहीं उन बच्चों को समझा पाती या वर्ड्स के मीनिंग क्लियर नहीं कर पाती तो लेवल मीडियम लेवल पे रैंक करेगी। लेवल हाई पे कब रैंक करेगी टीचर। द टीचर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ कंटेंट आर क्लियर करेक्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। द टीचर मेक्स श्योर टू एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ टेक्निकल टर्म्स। द एक्सप्लेनेशंस आर लॉजिकल एंड मे बी अकम्पेनीड बाई ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस और एग्जाम्पल्स। मतलब टीचर जो कुछ भी पढ़ा रही है जो उसका कंटेंट है जहाँ जो सबक की वो वजाहत दे रही है वो बिल्कुल क्लियर है वाजे है बच्चों को और बिल्कुल ठीक ठीक पढ़ा रही है तो उसको लेवल हाई पे ही रैंक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर अगर क्लास में फ्रैक्शंस की ही मिसाल ले लेते हैं कि टीचर अगर क्लास में फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा रही है तो वो बच्चों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवाएगी कि न्यूमरेटर क्या होता है डिनोमिनेटर क्या होता है आपस में क्या लिंक है इनकी प्लेसमेंट कहाँ पे है ऊपर क्या आता है नीचे क्या आता है या फिर उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके या फिर उसको फार्मूला बोर्ड पे लिख के या किसी तरह से उनको बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करती है तो वो लेवल हाई पे रैंक करेगी। ये थी प्रैक्टिस नंबर 2 और विद रूब्रिक्स एंड एग्जांपल्स। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए मेरी अगली वीडियो है वो देख लें लाजमी। अल्लाह हाफिज़।